खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। सीएम के आदेश के बाद भी नहीं मिल रही महिलाओं को सुरक्षा, महिला उसके परिवार को मिल रही धमकी। महिला बोली, क्या दलित होना गलत है? सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है। महिला का कहना है कि उदय गुप्ता के साथ कुछ नेता भी शामिल है। महिला का कहना है कि FIR लिखने के बाद भी मिल रही बराबर धमकी, नहीं मिलेगा इंसाफ तो आत्मदाह कर लेंगे। इसके जिम्मेदार उदय गुप्ता उसके साथ के लोग होंगे। कानपुर की 85/128 लक्ष्मीपुरवा की रहने वाली पीड़िता महिला मानसी कोरी का कहना है, पड़ोस में रहने वाले उदय गुप्ता जो दबंग प्रवृत्ति का है और काफी समय से मेरा मकान खाली करवाना चाहता है, मुझे और मेरे परिवार को गंदी गंदी गालियां देता है। जब मैं अपने घर में अकेली थी तभी उदय गुप्ता मेरे घर में घुस आया और मेरे साथ छेड़छाड़ करने लगा। तभी मैंने शोर मचाकर अपनी बहन प्रिया कोरी को बुलाया। मेरी बहन भागते हुए मेरे पास आई और जब मेरी बहन ने भी इसका विरोध किया तो दबंग उदय गुप्ता ने मेरी बहन प्रिया कोरी के हाथ में चाकू मारकर उसे घायल कर दिया, जिसका प्रार्थना पत्र देने के बाद उच्च अधिकारियों के संज्ञान में होने के बाद FIR लिखी गई। तब से लगातार गुंडे प्रवृत्ति के लोग घर के बाहर धमकी दे रहे हैं कि आप आए। नाम मानसी कोरी है। क्या हो? हमारे साथ कुछ दिन पहले घटना हुई थी, 21 तारीख को हुई थी घटना हुई है ये, और हम लोग थाने भी गए थे। तो थाने में गए थे तो वहां पर मतलब सुनवाई हुई, क्या उन्होंने मुकदमा लिखा था, लिखने के बाद भी मतलब कोई कार्रवाई नहीं है और मुकदमा लिखने के बाद भी हमको धमकियां दी जा रही हैं। अरे हैं कुछ जिनके साथ हमारी लड़ाई हुई है वही लोग, मतलब जिस दिन घटना हुई है उस दिन से वो धमकियां ही दे रहे हैं, बराबर मुकदमा लिखने के बाद भी धमकियां दे रहे हैं उदय गुप्ता और रेणु गुप्ता की, मतलब मुकदमा वापस ले लो, जान से मार देंगे या कुछ भी कर देंगे, लोगों का रहना दुश्वार यहाँ कर देंगे, आना जाना बंद करवा देंगे, मुकदमा वापस नहीं लोगी तो। और रेणु गुप्ता उदय गुप्ता और कुछ मतलब कुछ ऐसे नेता हैं जो उनका सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी वजह से और भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो मतलब हम लोग जो हमारी मदद करता है उनको भी ये लोग शब्द मतलब उपयोग करते हैं और क्या बोलते हैं, क्या मतलब कुछ भी उनके मन में जो आता बोलते हैं और जाति सूचक शब्द लेकर के मतलब बोलते हैं कि हमारा दलित होना क्या गलत है, हम महिला हैं हम दलित हैं तो क्या हमारा दलित होना गलत है? अगर गलत है तो बताइए फिर। अगर बाबा योगी आदित्यनाथ भी बोले हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए काफी उन्होंने सुविधाएं निकाली हैं, तो अगर जब कोई सुविधा नहीं है तो बताइए क्या करा जाए? सारी सुविधाएं होने के बाद भी कोई हम लोगों की सुनवाई नहीं है। अगर दलित हैं, अगर दलित होना हमारा गलत है दलित होना तो बता दीजिए, इस दुनिया ही में ना रहे, आत्महत्या कर लें। इस आत्महत्या की वजह सिर्फ उदय गुप्ता रेणु गुप्ता और सिर्फ प्रशासन होगी अगर हमारी सुनवाई कहीं नहीं होगी। कानपुर से कमर आलम की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।